गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज संदीप सिंह। आज हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करेंगे जिसका काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गया दोस्तों। एपीटी कॉइन जो है, आपने काफी सुना होगा जी इसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि इस कॉइन के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको इतना ही कहूंगा, जब भी कोई कॉइन मार्केट के अंदर आता है, आपको दिखता है कि भैया ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है या फिर इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, सो दोस्तों उस टाइम पे क्या कीजिए, उसका रिसर्च जो है वो जरूर कीजिए। एक इन्वेस्टिगेशन अपने बिहाफ पे जैसा भी आप कर सकते हैं वैसा अपना जरूर कीजिए। ओके, पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन जो होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अब न्यूज की अगर बात अगर करते हैं तो न्यूज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल जो ये क्वाइन जो है 40% डाउन गया है जी, और डाउन भी कब गया है, एयर ड्रॉप के बाद में। ओके, काफी लोगों को क्या है कि जी फ्री के अंदर ये मिला, एयर ड्रॉप के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद में क्या है कि जी उनको ये कॉइन भी मिला है। सो दोस्तों 40% जो है ये डाउन गया है। एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, काफी एक्सचेंज के ऊपर इसका लिस्टिंग भी हुआ। ओके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जी कि इसका जो करंट जो प्राइस जो है वो क्या है। नेक्स्ट अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट जो इसका प्राइस जो है वो जी इसका 7.47 इसका करंट प्राइस है। अब इसके बाद में अगर 24 आवर के अंदर अगर हम बात अगर करते हैं वही प्राइस चेंज के बारे में, तो प्राइस चेंज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.21% जो है जी प्राइस जो है इसका डाउन आया है। और इसके बाद में अगर बात करते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40.62% जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन आया है। देखिए दोस्तों, जब भी कभी भी आपने किसी भी कॉइन के अंदर अगर देखा होगा तो आपने एक चीज जो है वो जरूर फील किया होगा, जब ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इंक्रीज होती है तो प्राइस के अंदर मूवमेंट जो है जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। और अगर डाउन अगर आती है तो भैया आपको डाउनफॉल वहां पे देखने को मिलता है। मार्केट डोमिनेंस की अगर बात अगर करते हैं, 0.11% जो है इसका मार्केट डोमिनेंस है दोस्तों। और मार्केट रैंक की अगर बात अगर करते हैं तो 51 जो है इसका मार्केट रैंक है दोस्तों। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे आपको हर कॉइन के बारे में इस तरह से क्या कीजिए इन्वेस्टिगेशन आपको जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, चाहे आपका 30 डेज का हो, 90 डेज का हो, या फिर आपका 52 वीक का हो। लो एंड हाई की अगर बात अगर करते हैं, ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, ऑल टाइम लो की बात करते हैं, तो वो जो है आपका यहाँ पे सेम है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 अक्टूबर 2022 ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। ऑल टाइम अगर लो की बात करते हैं 6.69, और अगर हाई की बात करते हैं 8.55 जो है इसका हाई है दोस्तों। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप देख सकते हैं। ओके, अब अगर इसके बाद में अगर बात अगर करते हैं भैया टोटल सप्लाई की, टोटल सप्लाई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आपको इतना ही कहूँगा, इतनी एक्सचेंज भी लिस्ट हुआ। ओके, और इसके बाद में हमें इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली, उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अपडेट आपको यहाँ पे बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है चीज़ लेके चलेंगे। जो लिस्टिंग जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप लिस्टिंग जो है इसकी देख सकते हैं, जितनी भी मान लीजिए बड़ी एक्सचेंज है, बाइनेंस मान लीजिए आपका है, हुबई ग्लोबल है, FTX है, या फिर क्यू कॉइन है, हुबई ग्लोबल है, कॉइनबेस है, सभी के ऊपर क्या है कि जी इसका लिस्टिंग है दोस्तों। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर लिस्टिंग की अगर बात अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया जितने भी पॉपुलर जो मान लीजिए एक्सचेंज जो होते हैं, हर एक्सचेंज के ऊपर क्या है कि जी ये कॉइन जो है लिस्ट है दोस्तों। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये जो आपका जो कॉइन जो है ये डेफी को लेके चलता है दोस्तों। ओके, डेफी प्रोजेक्ट को क्या है कि जी ये लेके चलता है। अब इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा मैं कि डेफी प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं $45.25 बिलियन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, $45.25 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, अगर मैं सिर्फ डेफी प्रोजेक्ट की अगर बात अगर करता हूं तो। अब इसके बाद में आप समझिए सेकेंड नंबर पे अगर जो आपका आता है वो है आपका NFT जो है आज आपका सेकंड नंबर पे आता है। NFT प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि जी सेकंड नंबर पे लोगों ने क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कभी कोई टाइम होता था दोस्तों NFT के अंदर जहां पे भी मान लीजिए अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहां पे प्रॉफिट हमें होता था। अब उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर बात अगर करते हैं मेटावर्स के बारे में, देखिए दोस्तों आने वाले समय के अंदर मेटावर्स के अंदर क्या कुछ चीजें होंगी वो हमें नहीं पता है। ओके, लेकिन अगर राइट नाउ अगर बात अगर करते हैं, अगर अभी मान लीजिए करंट सिचुएशन के अंदर अगर बात अगर करते हैं तो भैया इंडिया के अंदर मेटावर्स जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है दोस्तों, इतना ज्यादा इसका यूज जो है, यूज केस की अगर बात अगर करते हैं तो वो नहीं है दोस्तों। सो ये जो है आपका यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे आपका आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया
आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा उस प्रोजेक्ट के अंदर करनी चाहिए जिस प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी जो है ज्यादा हो, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात है कि भैया इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है जी, नाम की वजह से क्या है कि कोई दूसरा बंदा भी बेनिफिट अपना ले लेता है। दिल्ली के अंदर एक्चुअली क्या हुआ जी, एक बहुत नामी गिरामी कंपनी है, नाम तो खैर मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। अब उनके नाम से क्या है कि जी काफी लोगों ने क्या है कि वहां पे मूवर पैकर का काम स्टार्ट कर दिया, ओके, और गूगल के ऊपर एड भी स्टार्ट कर दिया। अब उससे हुआ क्या, काम उनको भी मिलने लगा क्योंकि उनका नाम जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था दोस्तों। सो इसी तरह से क्या हुआ, एपीटी का पहले से भी एक नाम चल रहा था, एक टोकन जो है पहले से भी चल रहा था, वो टोकन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं APIDAE, ये एक टोकन है एपीटी के नाम से ही है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि मूवमेंट देखने को मिला, काफी लोगों को ये लगा कि भैया ये वही टोकन है, और इसके अंदर क्या किया जी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो भैया सीधी सी बात है जी, प्राइस तो उसका अब जाएगा ही जाएगा। चार्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया, चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भैया कितना जो है इसके अंदर हमें प्राइस जो है अब हमें देखने को मिला है दोस्तों। सो आपको यही कहूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि भैया कहीं से भी कोई भी, अगर आप मान लीजिए आपने न्यूज़ आपने सुनी और उसके बाद में क्या कि तुरंत उसका मान लीजिए आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको बताया है कोई मार्केट कैप के ऊपर जरूर सर्च कीजिए दोस्तों कि उसके अंदर चल क्या रहा है, वॉल्यूम जो है उसका वो कितना है, 24 आवर के अंदर क्या कुछ चीज़ें चल रही है, ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम लो कितना है, ओके, 7 डे के अंदर क्या परफॉर्मेंस किया, कम से कम 30 डेज के अंदर ये भी चीज़ें क्या कि चीज़ देखनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं देखते वैसे ही उठा के अगर लगा देते तो भैया कोई फायदा नहीं है, ओके। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं ये जो कॉइन जो है, ओके, इसके बारे में इतनी सब चीज़ें क्यों चल रही हैं उनका भी रीज़न मैं बताऊँगा आपको मैं, ओके। ये जो कॉइन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी आ गया है। बाइनेंस पे पहली बात तो ये, बाइनेंस पे कोई कॉइन आना और उसके बाद में भैया फ्यूचर ट्रेड के अंदर वो कॉइन आना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो कॉइन जो है आपका फ्यूचर ट्रेड के अंदर आ चुका है, ओके। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब लास्ट एंड फाइनल आपके साथ में यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, लास्ट एंड फाइनल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चार्ट देखिए इसका, वन डे का आप यहाँ पे देखिए, वन डे के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर लो की अगर मैं बात अगर करता हूँ $1 यहाँ पे लो शो कर रखा है, हाई की अगर बात अगर करता हूँ 100 यहाँ पे शो कर रखा है। करंट प्राइस में आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.45 जो है करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आप भी क्या कीजिए, किसी अदर एक्सचेंज पे भी जाके आप देखिए, वहां पे आपको लो कुछ और मिलेगा, हाई कुछ और मिलेगा, जितने भी एक्सचेंज पे जाके देखेंगे सभी जगह पे आपको अलग अलग दिखाई देगा। कभी भी किसी भी कॉइन के अंदर आपको लगता है कि भैया ये लिस्ट होने वाला है, उससे पहले अगर किसी एक्सचेंज पे मिलता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड होने वाला है और बाइनेंस पे जब भी लिस्ट होगा मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, इससे बड़ी गलती कभी भी नहीं हो सकती दोस्तों। जिंदगी में कभी भी ऐसी भूल मत करना। अदरवाइज क्या है कि जी अगर 5-7 हज़ार रुपये लगाते हैं वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है। काफी लोगों को ऐसे देखा भैया 10-10 लाख 20-20 लाख ऐसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर पैसा उतना लगाइए जितना आप सहन कर सके भाई साहब, अगर बाई चांस अगर आपका लॉस अगर हो जाता है तो। ये गलती तो आपको कभी भी नहीं करनी, जिस एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है उसी के ऊपर आपने मान लीजिए लिस्ट होने के बाद में वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, टाइम जो है आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। कभी आप देखिएगा बाइनेंस पे कभी अगर कोई कॉइन अगर लिस्ट अगर होता है उस टाइम पे देखिएगा कि ट्रेडिंग जो है कैसे होती है भैया, कुछ सेकंड के अंदर क्या है कि जी आपको हाई बनाते हुए दिखाई देगा और कब वो डाउन आएगा उसके बाद में आपको पता ही नहीं लगेगा। सो दोस्तों ऐसा जो काम जो है वो बिल्कुल भी आप मत कीजिए। किसी भी कॉइन के अंदर किसी भी टोकन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो किसी अदर एक्सचेंज से पहले ही आप उसको बाय कर लीजिए ताकि आपको 20% 30% पे जितना भी आपको प्रॉफिट वाजिब लगता है उसके बाद में क्या है कि उसको सेल आउट कीजिए और अपना प्रॉफिट कीजिए। आज जो दौर है जी वो इसी चीज़ का है कि अपना प्रॉफिट कीजिए उसके बाद में एग्जिट हो जाइए। जिंदगी में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है जी वो होता है पैसे का मोटिवेशन, वरना क्या है कि हम हर रोज किसी ना किसी यूट्यूबर का क्या है कि जी मोटिवेशन देखते रहते हैं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन है जी पैसे का। अगर पैसा ही किसी के पास में नहीं आता तो भैया आज से पहले भी हम लोगों के मतलब सुनते आ रहे थे, आज भी सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे और इससे कोई भी चेंजमेंट जो है वो नहीं होने वाला है। पैसा जो है अपना जरूर सिक्योर कीजिए दोस्तों। सो ये है आपके APTA के बारे में न्यूज़, एंड आई होप कि आपको ये न्यूज़ जो है अच्छी लगी होगी। जल्दी क्या है जी किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ में हम आपको यहाँ पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।